हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सर टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो टैली प्राइम की है। और टैली प्राइम में सीखेंगे क्या हम आज के इस वीडियो में, जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपको अपना एग्जांपल लेके बताता हूं। हमारे घर के बगल में एक दुकान है, तो उस दुकान पर कोई जनरल स्टोर है सपोज कीजिए, तो एक कस्टमर है जो कि 5,000 रुपए का उधारी लगा रखे हैं। अब आटा दाल चावल जो भी है, तेल नमक सब कुछ वहीं से जाता है, और 5,000 रुपए का 2 महीने से उधारी लगा रखे हैं। अब दुकान वाला एकदम हाई पावर में, 5,000 का उधारी चुकाएगा नहीं तो अब इसको देंगे नहीं। तो 2 महीने बाद आए, फिर थोड़ा थोड़ा 1,000 का सामान सब अपना लिखवा दिए कि जैसे मान लीजिए तेल है, रिफाइंड ऑयल है, ये 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 सारी चीजें हमें दे दीजिए। तो जैसे उन्होंने बताना चालू किया, दुकान वाले ने कहा कि रुको पहले पुराना उधारी चुकाइए तब हम आपको सामान देंगे। टैली प्राइम में कुछ इसी तरह की एंट्री पास करनी है। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक आपकी एक शॉप है, ठीक है, और उस शॉप में आप क्या करेंगे, लाइक एक कंपनी बना रखी है मैंने दुर्गा फार्मा, और इसको मैं रीनेम करने वाला हूं, ठीक है। तो उस शॉप पे आप किसी को 2,000 रुपए से, जैसे एक पर्टिकुलर कस्टमर है जिसको 2,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हैं कि 2,000 रुपए ज्यादा का उधार नहीं देंगे हम, समझ जाइए आप, ठीक है। तो ऐसी एंट्री मतलब 2,000 रुपए से ज्यादा का सामान आपको बेचेंगे नहीं हम, कुल मिला के ये बात है। तो ऐसी एंट्री कैसे पास करेंगे टैली प्राइम में, तो उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कंपनी को रीनेम कर लेता हूं। तो कंपनी को रीनेम करने के लिए हमें कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना है। F3 यहां पे आए और यहां से चलता हूं, और यहां पे आप देख सकते हैं अल्टर कंपनी आया हुआ है, यहां पे दुर्गा फार्मा है, तो यहां पे कर देता हूं दुर्गा किराना स्टोर। और अब ये कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूं, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। तो अब यहां पे कंट्रोल ए प्रेस कर लिया, ये अब दुर्गा किराना स्टोर के नाम से आएगा। अब देखिए ये दुर्गा किराना स्टोर हो गया। अब पहली एंट्री हमें करनी क्या है, देखिए पहले तो हमको क्रेडिट लिमिट सेट करना है। तो हमको बेचेंगे सामान जो उस पे क्रेडिट लिमिट लगाएंगे, तो सबसे पहले वाउचर में चलते हैं। अभी पेमेंट वाउचर में है, तो हमें कहां जाना है, सेल्स वाउचर में। बेचेंगे तो सेल्स वाउचर में, सेल्स माने बेचना सेल करना। तो F8 प्रेस कर लीजिए। तो F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पर आ गए। अब यहां पर पार्टी का नेम देना है। आपके पास अगर कोई पार्टी पहले से बनी हो तो आप उसे भी ले सकते हैं, मैं आपको नई पार्टी बना करके दिखाता हूं, बेहतर रहेगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे कर देता हूं मैं वसीम डेप्टर, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है, और ये डेटर पार्टी है हमारी। कौन सी पार्टी है, डेटर पार्टी है। तो यहां पे सन्ड्री डेटर आपको चूज करना है। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको सन्ड्री डेटर ही चूज करना है। तो जैसे ही सन्ड्री डेटर चूज करेंगे तो यहां पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, अच्छा ये कहां से आएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको यस रखना है। कभी कभी ये ऑप्शन आपके में शो नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तो कीबोर्ड से F11 की प्रेस कीजिएगा और यहां पर इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस रखिएगा। ध्यान रखिएगा यहीं पर आपको यस रखना है, कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो अब अभी हम यहां पर हैं, ठीक है, और यहां पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। तो हम इनको डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कितने दिन का देंगे, 10 दिन का देंगे। 10 दिन से हम आपको उधारी नहीं देंगे, 10 दिन में आप उधारी चुका दीजिए, फिर आपको दूसरा उधारी देंगे, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है, इसको अभी नो रखते हैं। यहां पर स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, तो क्रेडिट लिमिट कितने का देंगे हम, तो हम इनको 2,000 रुपए का सामान देंगे, 2,000 रुपए जब चुका देंगे तो फिर आगे का बात देखा जाएगा। 2,000 रुपया ही का सामान हम इनको उधार बेचेंगे, कुल मिला के ये कहना है, ठीक है। अब हमारे पास वसीम डेटर नाम से एक डेटर पार्टी बन गई है। अब इसी डेटर पार्टी का लेजर हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है, कर दिया जाए, तो ये कर दिया हमने अप्लाई। बाकी की डिटेल्स आप फिल करते हुए यहां पर आ जाइएगा। अब यहां पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर, यहां पर देख सकते हैं ऊपर, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है क्रेडिट लिमिट 2,000 रुपए, ठीक है, तो क्रेडिट लिमिट सिर्फ 2,000 का है। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ गया, अगर आपने सेल्स अकाउंट नहीं बनाया तो बना लीजिए, ठीक है। डिस्काउंट हम देने नहीं वाले हैं, तो आप चाहे तो डिस्काउंट का कॉलम ऑफ कर सकते हैं। कहां से ऑफ होगा, यहां पर आएंगे, ये लाइक ये यहां पर आए, यहां पर दिया हुआ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, तो इसको नो करके और यहां से इस तरह से कर देंगे, तो अब ये डिस्काउंट वाला कॉलम नहीं आएगा, हटा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करता हूं कि यहां से पहला प्रोडक्ट उठाता हूं, लाइक शुगर हमें लेना है। अब देखिए शुगर यहां पे है, ठीक है, स्टॉक में कितना है, देखिए 20 किलो चीनी है, इनको लेना है 10 किलो, ठीक है, तो यहां पे 10 किलो क्वांटिटी कर देते हैं, 10 किलो कर दिया हमने। 1 किलो का रेट लगाएंगे 45 रुपए, ठीक है, ये हो गया, अब तो कुछ करना नहीं है। तो ये चीनी का रेट हो गया, इसके बाद फिर नीचे आते हैं, ठीक है, तो कोई और भी स्टॉक आइटम होगा, लाइक दाल होगा या कुछ और भी चीजें होंगी,
तो यहां पे देख सकते हैं ये पल्स लिखा हुआ है और 90 किलो पल्स अवेलेबल है, इनको 2 किलो चाहिए तो 2 किलो दे देते हैं, ठीक है। तो 2 किलो देंगे तो 1 किलो की कीमत है ₹120, तो यहां पे 2 किलो की कीमत आ गई, ठीक है। अब फिर नीचे आते हैं, अब देखते हैं और क्या-क्या चीजें हैं। हनी, हनी यहां पे दिख रहा होगा आपको स्टॉक आइटम, ठीक है। तो 120 पीसेस इसके अवेलेबल है और यहां पर क्वांटिटी इनको 3 ठो चाहिए सीसी हनी का, ठीक है। और एक की कीमत इनको हम ₹380 रखेंगे, तो ₹380 रख दिया हमने और एंटर प्रेस किया, ₹1140 का सामान हो गया है, देख लीजिए, ठीक है। 30 अप्रैल, ठीक है, ये रख दिया हमने और यहां पर आ गए। यहां पर जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं ₹1830 का सामान हो चुका है, ठीक है, यानी ₹170 का सामान और आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक और स्टॉक आइटम है, लाइक यहां पर देख सकते हैं ये क्रोसिन है, बाम है, तमाम स्टॉक आइटम है, तो जो भी मौजूद है, देखिए जो मौजूद रहेगा वो पाएंगे। अब इसमें देखिए कुछ स्टॉक आइटम माइनस में चल रहे हैं, मतलब है नहीं फिर भी बेच दिया गया, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। एक तो टैली प्राइम है, ठीक है, तो एक बुक खरीद रहा हूं, ठीक है, लेकिन पैसा आइए नहीं है एक बुक खरीदने के लिए। जैसे मान लीजिए एक बुक ₹1200 की हो तो कैसे खरीदेंगे, यहां पे आए एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहां पर ₹3030 हो गया, जबकि क्रेडिट लिमिट कितने का है ₹2000 का है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पे देखिए ये क्या मैसेज आ रहा है, दिया हुआ है ओप्स क्रेडिट लिमिट ऑफ वसीम डेटर इज ओनली 2000 एक्सीडेड, ₹3030 हो जा रहा है, तो 2000 तक बस मिलेगा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया आदमी नहीं है, इसको 2000 तक सामान दिया जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, यहां पे आना है जो टैली प्राइम की बुक है, यहां पर आ जाइए और यहां पर आ करके अब डेटॉल साबुन वगैरह या फिर देख लीजिए 10 किलो बेसन मौजूद है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि 2 किलो बेसन हम लेते हैं, 2 किलो बेसन मान लीजिए ₹170 का मिलेगा, तो ये तो चल जाएगा। अब यहां पे देखिए, अब फिर देखिए यहां पे ₹2170 हो रहा है, लेकिन हमको कितना करना है, यहां पर सिर्फ ₹2000 आना चाहिए। तो अगर मैं 1 किलो कर देता हूं, ठीक है, और 1 किलो की कीमत यहां पे देख सकते हैं ₹170 है, तो यहां पर अब ये एडजस्ट हो गया, ठीक है, देख लीजिए आप, अब ये पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुका है, अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको एक्सेप्ट कराना चाहेंगे तो ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो ये मतलब होता है सेट क्रेडिट लिमिट देने का, ठीक है। आप 2000 3000 5000 10000 एक लिमिट सेट कर दीजिए कि इतने रुपए का उधारी बेचेंगे, भाई सही बात है, हम उधारी बेचेंगे तो हम क्या खाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप चुकाएंगे पैसा तब हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये मतलब हो गया आपका सेट क्रेडिट लिमिट का। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गया होगा।